بسم الله الرحمن الرحيم الصلوات میرے خیال صلوات جی کی ہے فرماتے ہیں کہ مجھ سے بڑی اللہ کی کوئی آیت نہیں
वड्डी आयत लिए नबी आदे ने खबर पुछाना है ते वड्डी खबर कौन है जेना पुछता वदे अम्मा यतसा अरोना अन नबाए अजीम الذي هم فيه مختلفون हमेशा बड़ी खबर के बारे में लोग पूछते हैं जिसके मुताबिक इख्तलाफ रहेगा। मेरा मौला फरमाने के ओ वड्डी खबर में अली इब्न अबी तालिब है। अल्लाह कुरान में कह रहा है कुल हुवा नबउन अज़ीम अंतुम अनहु मुरिज़ून, कह दीजिए वो बड़ी खबर है तुम उससे फिर रहे हो। थोड़े बंदों के सिवा बाकी सारे फिर गए। वो अंतुम मोरिज़ून, तुम हो ही फिरने वाले। मेरे ख्याल फिरने का पता नहीं क्या लगता तो फिर गए ने पिंडी च गवाही दी है, पंचायत थाने दी है, सिविल दी है, सेशन के सामने जाके बंदा भाई जी गवाही दी खड़ा है। 21वीं जगह पर उसने गवाही नहीं दी तो उसके मुताबिक हर कोई कहेगा कि ये फिर गया है। तो हर जान के सोचना जो कलमे में भी गवाही दे अली जोन वली अल्लाह सिर्फ नहीं करवाया।
दिखाया था, आराम दर में तुम्हें दिखाया था। तुमसे तीन सवाल पूछे थे, अलस्तो रब्बिकुम व मुहम्मदुन नबीयुकुम व अलीयुन अमीनुकुम। क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क्या मोहम्मद तुम्हारा नबी नहीं है? क्या अली तुम्हारा अमीर नहीं है? अगर वहां पे एक था तो यहां एक गवाही दो, दो थे दो दो, अगर वहां पर भी तीन थे से नहीं। तुम मेरा वादा पूरा करो, मैं तुम्हारा वादा पूरा करूं। कुरान है, सूरह बकरा है, अल्लाह कह रहा है तुम मेरा वादा पूरा कर। मैं कुरान के बारे से पूछा गया, हमारा कौन सा वादा, उसका कौन सा वादा? फरमाया अल्लाह का वादा है नेमात वाली जन्नत का। वादा लिया था, अली की विलायत की गवाही दो दिल तो मैं जन्नत दूंगा। अपनी गवाही के बदले जन्नत का वादा नहीं लिया, रसूल की गवाही के बदले जन्नत का वादा नहीं किया, अली के बदले। वो भी जानता था जो अली पढ़ेगा वो नबी भी पढ़ेगा, जली भी पढ़ेगा। अली वाले से ये नहीं पूछना पड़ता तू नबी को मानता है, हमेशा नबी वाले के बंदे हिला के पूछा जाता है मियां अली को मानता है। हाँ, अल्लाह ने तुमसे किस चीज का वादा लिया था कि क्या करना? अली की विलायत की गवाही देना। वो मेरा वादा हो गई ना नाल नाल बेगल नाल जो मजलिस पर सां मैं शिव पूरे चुपड़ के पीछे कर जाऊं, वादा पूरा हो गया। यार उतने मजलिस नहीं पड़ी मैं, इतने घंटा पढ़ना आई उतने घंटा पढ़े, इतने नियाज लेनी आई उतने नियाज लेनी, वादा किवें ना पूरा होया? वादा इत्थे हा, वादा इन्हां नाल हा तां इत्थे पढ़ना है। अगर वादा अल्लाह नाल हा तां नमाज विच पढ़ना है। जिसके साथ वादा हो उसी के सामने पढ़ना होता है। फिर इत्थे आ गए लोग कि ना हम वादा पूरा कीता, दो जिक्र अल्लाह कुरान में करते हैं। चूंकि मेरे सामने चेहरे रसेने ज्यादातर अफराद उन लोगों दिए जिन्हें वादा पूरा किते करते पैन और इंशाअल्लाह ताला करते रहा। इस वास्ते मैं भाई जी उन्होंने जिक्र पहले करना चाहना जिन्हें वादा पूरा किया। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम जो अमानते अदा करें, अमानत अदा करनी चाहिए कि नहीं? बोलो करनी चाहिए। अच्छा, और मैं जो आखा तो आखा जी मेरी अमानत दो, पिछले महीने से आया हमने मैं दी आई तो यह हका बका भी कि शायद दी आई कदों दी आई।
आसानी जो दिती नहीं दिती है ता आसान अल्लाह को मैं कह रहा या अय्युह अल्लज़ीन आमनू ला तखूनू अल्लाह व रसूलहू व तखूनू अमानातकुम व अंतुम तअलमून। ईमान वाले बेईमान तो मेरे साथ खयानत करें तुम तो न करो। अल्लाह तुझसे अमानत मांग रहा है, अल्लाह और रसूल के साथ खयानत न करो। कभी तुमने पूछा है अल्लाह से कि वो अमानत क्या है? मैंने पूछा है आलम आले मोहम्मद से, सातवें इमाम से, वो अमानत क्या है? वो कौन सी अमानत है जिसे अल्लाह तलब कर रहा है? फरमाया है या विलायत अली इब्न अबी तालिब। मजलिस अला का नज़्म खराब न करें। आगे जगह बिल्कुल नहीं है, जहाँ पे जगह मिले वहीं पे बैठ जाए, या दरवाजे के बाहर स्क्रीन लगी है वहां पे खड़े होकर मजलिस अला आप सुन सकते हैं। आपके तावन के हम नहायत ही शुक्र गुजार होंगे। बरसमत मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद बावाज़े बुलंद सलावा। हमारे आईमान नज्म जब के पाबंद है, हम उनके मानने वाले हैं। हम नज्म जब का मुजाहरा नहीं करेंगे तो फरिश्ते करें। आपसे बारहा इत्तमास है, बाहर स्क्रीन लगी है, बारगाह के बाहर नज्म जब का ख्याल रखें। बरस्मत मोहम्मद व आले मोहम्मद बावाज़े बुलंद सलावात। क्या है अल्लाह की अमानत? मुमकिन है अलवी साहब को मैंने अमानत देनी हो तो मैं दाई जेब में बाई जेब में डाल के आ जाऊं कि भला ये ले। अल्लाह अपनी अमानत के बारे में फरमा रहा है, इन्ना अरदना अमानत अला समावात वल अर्द वल जिबाल فابين ان يحملها اشفقنا وحمل الانسان انه كان ظلوما جهولا। मेरी अमानत को आम न समझना, ये वो है जिसे पहाड़ भी नहीं उठा सके। ये अमानत है अली की विलायत। अल्लाह को मैं याद दिला रहा है कि अल्लाह और रसूल के साथ खयानत न करना। फिर अमानत का उसूल क्या है? लोग मुझसे दो अलामा आसिफुल्लाह अलवी साहब को हो गई, मुझसे ली है तो मुझे दो। इन अल्लाह या मुर्रुकुम अंतु अतुल अमाना पे इला अहलिहा। अल्लाह ये चाहता है जिससे लो उसे दो। अगर अली की विलायत मुल्ला से ली है तो मुल्ला के सामने पढ़, अल्लाह से ली है तो अल्लाह के सामने। वो लोग जो अमानते अदा करें, हमसे सवाल होता है कि कौन से इमाम ने पढ़ा नमाज में अली और वलीउल्लाह। आज अलमैन के दरमियान बैठकर बताता हूं, अली ने खुद भी पढ़ा अली और वलीउल्लाह।
तफसीरों नूर सकलाइन वाले ने एवाली वाले वाली का हवाला दिया है किताब का। इमाम मुत्तकियान से पूछ रहे हैं, मौला मैदान जंग में तो आप मुतमईन नजर आते हैं, मुसल्ले के करीब जाए आपकी रंगत बदल क्यों जाती है? फरमाया आपको क्या पता उस अमानत की अदायगी का वक्त आ जाता है। जिसे जमीन आसमान पहाड़ ना उठा सके, जो अमानत अदा करे, जो वादा वफा करे। रौना कायमून, एक नहीं दो नहीं, जो शहादात कायम करके अपनी नमाजों की हिफाजत करे, उलाएक फी जन्नतिन मुकरमून। अल्लाह कह रहे वो ही तो जन्नत में बाइज्जत रहते हैं, जो अमानत अदा करे, अमानत अली की विलायत, जो अहद को पूरा करे, अहद अली की विलायत का इकरार, शहादात कायम करें। शहादात जब बनती हैं जब अली की विलायत हो। इत्तेहाद अलवी साहब उन्होंने तस्करा जिन्हें अल्लाह नाल वादा करके पूरा कीते, उन्होंने जिक्र ही तक करा जिन्हें पूरा नहीं कीता, वो भी मैं अपनी तरफों नहीं करना, जो कुरान कीते। एक तलख हकीकत है हे सारे खिलाफ ये उलमा ओ जाकरीन है ना साहिबान मेंबर, ये जो बानियान साहिबान हैं, ये सारे ते दरूद ही पढ़ते हैं, सारे ते लानत ही करते हैं। हाँ हाँ हकीकत जैसे कोई पहुंच वाले हो ना वो गेट खुले नहीं जाते, बड़ी इंतजार ही थोड़ी जैसे को नवनो जो नहीं आया लाती जो हा तो कई दो कम साढ़े ते होने दरूदी लानती हूं दरूद कौन पढ़ता है जैसे नाल वादा पूरा करो। जिन्होंने वादा पूरा किया उनके लिए जन्नत की जमानत, उलाएक फी जन्नतिन मुकरमून, वो जन्नत में बाइज्जत रहेंगे। अब उनका तज़किरा जिन्होंने वादा पूरा न किया, वल्लज़ीना यंकुज़ून अहदल्लाहि मिन बादि मीसाकिही व यक्तुमून मा अमरल्लाहु बिही अन युसरा व युफ्सिदून फिल अर्द उलाएक लहुमुल लअनतु व लहुम सुउ्द दार। जो वादा करके फिर जाएं, जो उन राबतों को तोड़े जिन्हें मैंने जोड़ने का हुक्म दिया है, जो जमीन में फसाद बका करें, तो ये आखिरी बात है, जो वादा पूरा न करें, जो उन राबतों को तोड़े, वादा था अली की विलायत का इकरार, राबता तोड़े राबता, अल्लाह ने उसूल दीन में भी नबूवत और इमामत को इकट्ठा रखा। फरोए दीन में तोड़ने की कोशिश कर रहा है कोई युफ्सिदून फिल अर्द, यही तो फसादी है, यही तो हाँ फसादी है भाई, फसादी नहीं तो और क्या है। अरमान इस दाल है असला दर्द दिले, असी जिन्हों मुशरक समझते हैं ना
ਉਹਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਕੂ ਮੁਸ਼ਰਕ ਸਮਝੇ ਨੇ ਨਬੂਆ ਵਾਂ نہیں برداشت ہوئی پتا ہوا صاحب کی پڑھتے ہیں غیور ساگر کی پڑھتے پھر تو گل وکری ہے جب تمہیں پتا ہے بھائی کی پڑھتے ہیں برداشت ہونا تو آؤ نہیں ہوتا نہ آؤ فساد تا نہ کرو اے نہ شیاطین نہ لیوحون الی اولیائہم لیجادلکم وان اطعتموہم انکم لمشرکون اللہ کہہ رہا ہے شیطان اپنے دوستوں کے شیاطین اپنے دوستوں کے کانوں میں گسر پسر کرتے رہتے ہیں لے جو جان دے حکم تاکہ وہ تم سے لڑ پڑے وَإِنْ حَتَّقُمُوهُ اگر تم نے ان کی اتباع کی اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ تم مشرک ہو جاؤ گے گھبرا تو نہیں کہا ایسا ہے تو اللہ ضرور پڑھ دے ہوں دے جڑا وعدہ پورا کرے لعنت کس سے کرتا ہے جڑا وعدہ پورا نہ جڑا پھر جائے اللہ کہہ رہا ہے ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان وصفر لهم وعمل لهم ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاهبط اعمالهم یہ اس کے بعد پھر گئے کہ ہدایت بھی واضح ہو چکی تھی ہدایت بس صرف آسوبی اس آیت کا ترجمہ کرنا ہے ہدایت بھی واضح ہو چکی تھی آگے کہہ رہا انہوں نے کہا ان لوگوں سے جو ہماری نازل کردہ چیز کو ناپسند کرتے تھے جب انہیں کہا جاتا ہے اسے مانو جسے اللہ نے اتارا جواب میں پتہ ہی ہے کیا کہتے ہیں نو منو بے مامون دے رہا لینا ہم تو اسے مانیں گے جو ہماری طرف اترے وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اس کے علاوہ جو بھی ہے ہم نہیں مانتے آگے اللہ کہہ رہا ہے وَهُوَ الْحَقُّ جسے نہیں مانتے پہچانتے ہو یہی تو حق ہے جو ہماری نازل کردہ چیز کو ناپسند کرتے تھے ان سے کہا ہم بعض امور میں آپ کی پیروی کریں گے واللہ یعلم اسرارہم میں ان کے سبھی بھیدوں سے واقف ہوں سبھی رازوں سے واقف ہوں آگے کیا کہہ رہا ہے فکیف اذا توفتہم الملائکۃ وجوہہم وادبارہم جب یہ ملائکہ کے ہاتھ لگیں گے فرشتے انہیں پشت پر بھی ماریں گے انہیں منہ پر بھی ماریں گے بیچاروں کو تو نہیں مارنا چاہیے پشت تے مرے دے اسا سے تکلیف ہی نہ اٹھیندی اے بڑے نفیس لوگ ہیں مار دے اسا سے تکلیف درد ہی نہ اٹھیندا اے تے ویسے اسے کوئی منہ تے مارن تو تا اللہ حیوان کوئی روک ہے وہ حیوان کے بھی منہ پہ نہ مارو یہ تسبیح پڑھتے ہیں اللہ جو حیوان کے منہ پہ نہیں مارنے دے رہا وہ کہہ رہا
आए मैं फरिश्तों से इनके मुंह पे मरवाऊंगा। मेरा मालिक तू इनके मुंह पे मरवा रहा है इनका कोई जुर्म। फरमाए सामने कबे अन्न मुताबे उम्मा हसद अल्लाह, इसलिए मरवा रहा हूं इन्होंने उन लोगों की तकलीद की जिन पर अल्लाह नाराज था। वकारे हो रिजवान हो जो अल्लाह की रला को ना पसंद करते थे। फाहबता आमालहुम, इसीलिए तो मैंने इनके आमाल हाफ कर दिए, इनके आमाल मैंने आखिरी गल खेना तोरे नाल लाहौर वाले कम से कम जितना बिरादरान अहले सुन्नत को अकीदा ए सहाबा है उतना तो अकीदा ए रिसालत रख। अस्सलाम तो खैरुम मिनन्नूम, किस दीता उम्मत नू हजरत उमर हजरत अबूबकर दे जमाने च कोई ना, रिसालत माप दे जमाने च कोई ना। एक बंदे नू आके हजरत उमर के मेरी तजवीज है कि इसे आजान में शामिल करो, सोने वाले सुने कि नमाज नींद से बेहतर है। पूरे पाकिस्तान च नहीं बल्कि पूरी दुनिया च किथाई वो सुनिया कोई डिटेल आपस ही लड़ते बैठे हो मैं जो असला तो खैर मैंने नाम पढ़ना या नहीं पढ़ना। असलाम तो खैर मैंने नाम उन्हें हजरत उमर ने दिया, अली और वलीउल्लाह तुम्हें मोहम्मद ने दिया। हजरत उमर ने एक बंदे से कहा, मोहम्मद ने सवा लाख के इज्तिमा में कहा, शर्म कर उसे उमर पर पाका है तुझे मोहम्मद पे साका है। हजरत उमर को घिर के पर्दे खड़े तक मोहम्मद आखे जिथे मैं हां उथे अली है, जेंदा मैं हां उदा अली है, जिथे मैं हां चला भी बस थोड़ा बात जो छोड़ी मैं गला ठीक नहीं है था। है अब्बास दा अलम बरामद होंदा है, जनाजा बरामद नहीं होंदा। जनाजा बरामद पूछा गया उलमाए नजफ तू उलमाए इराक तू कि अब्बास का जनाजा बरामद क्यों नहीं होंदा। उन्होंने इको जवाब दिता है, जनाजा ऊंदा होंदा है जिंदा मैयत मुकम्मल मिले। हुसैन गुलें दा तबूरी है, अब्बास मुकम्मल मिला कोई नहीं। चौथे इमाम को किसे बंदे पूछा, मौला सब तू वड्डी कद ही तेरे चाचे अब्बास दी, एक कब्र बाना आई क्यों बनी है। सजाद मुंह ते मातम करके आ जाए, मैनू जेड़ा लभे मैं दफना छोड़ा। लाहौर वाले तुस सच्चे लोग हो, जेड़े मौला दे मनन वाले हो सच्चे ही होंदे ना, मतलब सच्चा होंदे तो सच सुन के रोंदे हो, मैं झूठ क्यों बोला हूं। अब्बास की लाश पे घोड़े नहीं दौड़े, टुकड़े टुकड़े की में थे, तो हाथ लेने लगे अब्बास तकसीम थी न घोड़े नहीं दौड़े। अब्बास की लाश घोड़े सिर्फ दो लाशा के दौड़े जिन्हों का वारिस कोई ना। हां सिर्फ हो लाश के घोड़े में भजन अकबर की मां के रिश्तेदार आ गए, उन्हें
आगे होना के जी असद पहले भी आखा अब्बास को के हुसैन को छोड़। अब्बास जवाब दिता है जो मैं अपना साहब की में रोका मेरे सांस की हकीकत ना हुसैन तो होना सा अब्बास की लाश के घोड़े नहीं दौड़न दे उन्हें दौड़ दे मत नहीं हो इस अगले जाओ चलो अब्बास की लाश डाप दे सिरां दी डाप मान दी कोशिश की थी ने चौं मेरे बाबा मरहूम फरमाने हैं जेड़ा लड़न गया हा एड़ा जोर ना सी लाया चैंदन चमीदी नहीं सजे पासे हुसैन दी हकले अरमाला सारियां ता अपनियां ना मना तू फिरा हो मैं आखे रही तू मेरे बाबे दी तस्वीर है ना मैं नहीं चाहता मेरे बाबे दी तस्वीर ते घोड़े दौड़े तो भाई आसिफ उन्हें लाश चाह की थी हुसैन दे हुकुम दे अब्बास चावन दी थी अब्बास दी लाश ते घोड़े नहीं दौड़े फिर टुकड़े टुकड़े किवें थे अजा सी नहीं चाह तीरा तलवारी नाल टुकड़े टुकड़े नहीं किया मेरे बाबा बुजुर्गवार फरमाने उमर बनीन दा 34 साल दा खड़ियल जवान पुत्र हुसैन दी 4 साल दी धी दे शर्म तो टुकड़े सोच के टुकड़े टुकड़े हो गया है ना मैं मुकम्मल हो सा ना मैनू दिला बल्कि जुमले अगले अगले टुकड़ा आवे नसीब साहब दे करा दिया ये 4 मिनट 5 मिनट मसाइल पढ़ने आवे साहब की बला फरमाने हैं माशकी मन ते खड़के आखरी दफा मासूमा को डिठे यो शाना आखरी दफा समझे सो मासूमा बापे दे हथा दे आखरी दफा चाचे को डिठे आगा नसीम बासी बला फरमाने के बाद विच ने डिठा क्यों ने डिठा माशकी दरिया ते संपे मासूमा शान पुर गई ए दरिया तू उठा नहीं ओ शान चो वली दौरे मैं याद ही नहीं कि किन्नी दफा दवारा ते मेरा तजुर्बा है अब्बास की कब्र ते फजल का ना इतना नहीं चमींदा जिन्ना सकीना दे चमींदा जरा हुसैन वापस आए ना ला ओ अलम ने पुरजे मशक दे टुकड़े चाके वापस वर गए फजल पीछे खड़ा आई सकीना आगे खड़ी गई हां हंसी तो बीच है निकल से लाहौर आले आगे खड़ी गई ते पियो दो ने क्या दिए बाबा ओ जो नौकर सरवेंदा हा तै भी नौकर समझे बाबा ने सुबह ले क्या वेखे तू होर दे पुत्र दी लाश ही चई वदा हमें और भी राशि चाहिए वजह हमें कासम दे भावे टुकड़े हैं तो चाहिए वजह हमें मेरे चाचे दी तू राशि नहीं ले आया हुसैन सोचा है अगर इको हकीकत हाल तू आगा करा तेरी वजह तू नहीं आया मतम मासूम जिया दिल ले शिकस्ता ना होए हुसैन फरमाया मैं चुकदा रिया मेरे तू चवींदा ना ये बाबा थे अकबर दी जो चाहे हुसैन आले ऊंदे बाजू हैं तेरे चाचे दे बाजू कोई नहीं मैं उन हाथों की कसम है जेड़े मातम वास्ते तू सब वक्फ कर छोड़े तेरे आंख से ना हुसैन आके मेरे तू चवींदा ना बाबे जो कण की थी सीधे खैमा दो मुंह करके आ लिए फूफी आ लिया अपना बुरका चाहतिया मेरी मां नु नाल लातिया चल मेरे नाल मैदान मेरे बाबे को मेरे चाचे दी लाश यो आखरी लफ्ज सुनो उस तो बाद ही कोयन करा मेरी अलाई जिंदगी ने कीमती जुमले मैं वसीयत की थी और ये मेरी कब्र दे लफ्ज लिखाए पहले मैं अगले पढ़ूंगा हुसैन फरमाया जिन्हों मैं नहीं चाह सकया तू
चार हिंसे अरे बाबा मेरा ए मान नहीं जो मैं चार हिंसा मेरा यकीन है मैं वैसा उठी बस शहीद नहीं लड़े कूफे मुस्लिम कारबला अब्बास मुस्लिम नहीं लड़ा मत मैं किसे न मारा कोई मेरे छोटे पुत्र रूह निकलती अब्बास की रूह कि निकली जिवें जिवें मशक चू पानी चाचे दिलों तेरे के वधिया दिए तेरी कसमें सादा कोई
चाचा पानी नहीं मिलता ता जाने असा मनी रब दी रदा सकीना ने